जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग की हार के बाद बदला पॉइंट टेबल का समीकरण, तो जानेंगे इसी बड़ी खबर के बारे में। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा और पॉइंट टेबल के साथ साथ यहाँ पर हम आपको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में भी जानकारी देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और वहीं अगर आप भी सीएसके की हार के बावजूद भी अगर महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 21वां मुकाबला अबूधाबी के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया। तो वहीं इस मैच को कोलकाता की टीम ने 10 रनों से जीत लिया है और वहीं चेन्नई की टीम की आईपीएल 2020 में ये चौथी हार है और जबकि केकेआर की टीम की ये दूसरी जीत है। तो ऐसे में इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राहुल त्रिपाठी के दमदार अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में सभी विकेट खोकर केकेआर की टीम ने 167 रन बनाए थे और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 168 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन सीएसके की टीम 20 ओवर खेलकर 5 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी और 10 रनों से इस मुकाबले को हार गई। तो वहीं आज के इस मुकाबले में केकेआर की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 81 रनों की शानदार पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए थे और बाकी केकेआर की तरफ से कोई भी खिलाड़ी 20 से ज्यादा रन भी नहीं बना सका। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि आज के इस मुकाबले में सीएसके की जीत पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ऐसे में सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो शेन वॉटसन ने बनाए, उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने भी पूरी कोशिश करी मैच को जितवाने के लिए, लेकिन अंत में जो केदार जाधव ने किया उसे देखकर हर किसी को जरूर गुस्सा आया होगा। तो आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि आखिरकार अब पॉइंट टेबल का समीकरण कैसे पूरा बदल चुका है और अब कौन सी टीम टॉप के स्थान पर आ चुकी है, कौन सी टीम नीचे गिर चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब यहां पर पॉइंट टेबल में देख पा रहे होंगे, जो सबसे टॉप की टीम है वो है मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्होंने 6 मैच खेलकर 4 जीतों को हासिल किया है और 2 में हार का सामना इन्हें करना पड़ा और इनके जो पॉइंट्स हैं वो है 8। तो वहीं आगे बढ़ते हैं हम बात करें दूसरी टीम की। जो दूसरी टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने अभी तक अपने 5 मुकाबले खेले हैं और 5 में से 4 में जीत हासिल करी है और 1 में हार का सामना इन्हें करना पड़ा है और जो डीसी के पॉइंट है वो 8 है। तो वहीं दोस्तों यहां पर जो तीसरा नाम निकल कर आता है वो है अब केकेआर की टीम का। जी हां दोस्तों, केकेआर की टीम अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है, जिसने 5 मैच खेले हैं और 5 में से 3 मैचों में जीत हासिल करी है, 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और जो इनके पॉइंट है अब वो 6 हैं और इनका जो नेट रन रेट है वो प्लस में चल रहा है। तो वहीं बात करने आगे बढ़ते हुए चौथी टीम के बारे में, जो चौथी टीम है इस लिस्ट में वो है आरसीबी की टीम। जी हां दोस्तों, आरसीबी की टीम इस लिस्ट में 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर इसलिए आती है क्योंकि इनका जो नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा कम है केकेआर के कंपैरिजन में। आरसीबी का नेट रन रेट जैसा कि आप देख सकते हो -1.355 हो रखा है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं पांचवी टीम के बारे में। जो इस लिस्ट में पांचवी टीम निकल कर आती है वो है सीएसके की टीम। जी दोस्तों, सीएसके की टीम अब पांचवे स्थान पर है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं और 6 में से 2 में जीत हासिल करी है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है और इनके जो पॉइंट है वो 4 है। तो वहीं बात करें अगली टीम के बारे में, जो अगली टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी दोस्तों, छठे नंबर पर सनराइजर हैदराबाद की टीम के भी 4 पॉइंट है और इनका जो नेट रन रेट है वो सीएसके की टीम से काफी ज्यादा कम है, जिसके चलते ये छठे नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें सातवीं टीम के बारे में, जो सातवीं टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी दोस्तों, राजस्थान की टीम ने अभी तक 5 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल करी और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए आठवीं टीम के बारे में, जो आठवीं टीम इस लिस्ट में निकल कर आती है वो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। जी हां दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 5 मुकाबले खेले हैं और 5 में से इन्हें बस 1 ही में जीत हासिल हुई है, 4 में हार का सामना इन्हें करना पड़ा है और जो इनके पॉइंट है वो बस मात्र 2 ही है। तो ऐसे में दोस्तों इन सभी टीमों को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हो कि कौन सी टीम सबसे टॉप का स्थान हासिल करने में आईपीएल के अंत तक सक्षम हो पाएगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 21वां मुकाबला अबू धाबी के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया, जहां पर इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पिछले 4 मैचों में फ्लॉप हुए ओपनर सुनील नरेन को केकेआर की टीम ने डिमोट किया और उनकी जगह पर राहुल त्रिपाठी को ओपनर के तौर पर सुमन गिल के साथ भेजा। तो वहीं राहुल त्रिपाठी तो जमे रहे, पर सुमन गिल मात्र 11 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर जो कि मात्र 9 रन बनाकर ही करण शर्मा के शिकार बने। फिर बल्लेबाजी करने उतरे सुनील नरेन के रूप में केकेआर की टीम को तीसरा झटका लगा, जहां पर वो मात्र 9 गेंदों में 17 रन बनाकर खाते में गया क्योंकि आखिर में जडेजा ने गेंद फेंकी थी। तो ऐसे में टीम को चौथा झटका इयान मॉर्गन के रूप में लगा, जो कि सैम क्योरन की गेंद पर धोनी के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं आंद्रे रसेल ने आज के इस मुकाबले में मात्र 2 रन बनाए और वो शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। तो ऐसे में दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज इतना ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन
नहीं कर पाया बस मात्र राहुल त्रिपाठी को छोड़कर। जी दोस्तों, आज के इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि वो ब्रावो की गेंद पर शेन वॉटसन के हाथों में अपना कैच तो थमा बैठे थे, लेकिन उससे पहले वो अपना राहुल त्रिपाठी के अलावा केकेआर की टीम का कोई भी खिलाड़ी 20 से ज्यादा रन का स्कोर भी नहीं बना पाया। तो इसी के साथ निर्धारित 20 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर केकेआर की टीम ने 167 रन बनाए थे और इसी तरीके से 118 रनों का लक्ष्य चेन्नई की टीम को दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके की टीम की तरफ से शिवम मावी ने फाफ डू प्लेसिस को 17 रन पर ही दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते ये बहुत बड़ा झटका था सीएसके की टीम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें सीजन के 21वें मैच में शेख जायद स्टेडियम में 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी, जहां पर चेन्नई के सामने चुनौती है कि वह पंजाब के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को बरकरार रखे। तो वहीं सीजन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराने के बाद केकेआर की टीम ने लगातार अपने 3 मैच गंवाए थे और उसके बाद जीत हासिल की थी। तो वहीं सीजन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराने की टीम ने लगातार अपने 3 मैच गंवाए थे और फिर जीत को हासिल किया था। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के लिए अच्छी बात यह है कि शेन वॉटसन अब फॉर्म में लौट आए और उन्होंने पिछले मैच में इनफॉर्म बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी की थी और टीम को जीत दिलवाई थी। और ऐसे में अब कोलकाता के खिलाफ भी महेंद्र सिंह धोनी को इन दोनों की ही ओपनिंग पार्टनरशिप की काफी उम्मीदें रहेंगी। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें केकेआर की टीम के बारे में, तो केकेआर ने अभी तक सीजन में 4 मुकाबले और 2 में हार का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो अब केकेआर की टीम अच्छे नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में 4 नंबर पर है और दोनों ही सीएसके और केकेआर की टीम के 4-4 अंक है। तो ऐसे में आज का मुकाबला जीतना सीएसके और केकेआर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है टॉप 4 में बने रहने के लिए। तो इसी को लेकर चेन्नई और केकेआर की टीम में काफी बड़े बड़े बदलाव आज के इस मुकाबले में देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 टीम जानने से पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स में से आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम आज का मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों, अभी तक सीएसके और केकेआर की टीम के बीच में टोटल मिलाकर 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 8 में केकेआर की टीम ने जीत दर्ज करी है और 14 मुकाबलों में सीएसके की टीम का पलड़ा भारी रहा है। तो ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक आज का ये मुकाबला जीत सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि आखिरकार आज आप सभी को कौन सी प्लेइंग 11 टीम मैदान पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो पहले हम दोस्तों शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 टीम से, जहां पर हम सभी को ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं वो होंगे शुभमन गिल और इयान मॉर्गन। तो बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर खेलने आएंगे नीतीश राणा और मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर दिनेश कार्तिक का नाम रखा गया है। और वहीं बात करें पांचवे खिलाड़ी की, त्रिपाठी का नाम यहाँ पर डाला गया है। और वहीं बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में 7वें नंबर पर सुनील नरेन का नाम है, 8वें नंबर पर पैट कमिंग्स, 9वें नंबर पर कमलेश नागरकोटी, 10वें नंबर पर शिवम मावी और 11वें नंबर पर कुलदीप यादव। वैसे में दोस्तों, आज के इस मुकाबले में हम सभी को कोलकाता नाइट राइडर्स की ये टीम देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली टीम के बाकी टीम। दोस्तों, चेन्नई की तरफ से जो आज ओपनिंग करते हम सभी को दिखाई देंगे वो होंगे शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसिस। जहां पर बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर पर अंबती रायडू, 4 नंबर पर कप्तान एमएस धोनी का नाम रखा गया है। वहीं 5वें नंबर पर केदार जाधव उतरेंगे, 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा और 7वें नंबर पर ड्वेन ब्रावो का नाम आता है। तो बात करें लोअर ऑर्डर की, तो लोअर ऑर्डर में सैम करन का नाम दिया गया है 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, 10वें नंबर पर पीयूष चावला और 11वें नंबर पर दीपक चाहर। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस मुकाबले में यही दोनों प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर उतरती हुई दिखाई देंगी। तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, सीएसके की टीम या फिर केकेआर की टीम। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तो फिर फाफ डू प्लेसिस के आउट होने के बाद मैदान पर उतरते हैं अंबती रायडू, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में काफी शानदार बल्लेबाजी की और वो 30 रन बनाकर कमलेश नागरकोटी की गेंद पर आउट हुए। तो वहीं फिर तीसरा झटका सीएसके की टीम को शेन वॉटसन के रूप में लगता है, जो कि आज के इस मुकाबले में 50 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंद पर LBW आउट हुए। तो ऐसे में दोस्तों, ये 3 झटके लगने के बाद फिर अगला ही झटका शेन वॉटसन के आउट होने के बाद कप्तान एमएस धोनी के रूप में लगता है सीएसके की टीम को, जो कि मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में सीएसके की बल्लेबाजी की बात की जाए तो कोई भी खिलाड़ी इतना ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया बस मात्र शेन वॉटसन को छोड़कर। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है सीएसके की टीम के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं मनोज तिवारी। जी हां दोस्तों, मनोज तिवारी लिखते हैं कि क्या ही शानदार मैच था, शानदार मैच में शानदार गेंदबाजी देखने के लिए मिली हमें जसप्रीत बुमराह की तरफ से। ये तो ऐसे गेंदबाजी से कि कोई जादू भी खेल रहे हो। जोस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आज राजस्थान के फैंस के बीच में होप बनाए रखा, लेकिन अंत में तो एक शानदार कप्तान की ही जीत हुई है। ऐसे में दोस्तों, यहां पर मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की काफी तारीफ करी है और साथ में हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।